अब हमने करना है इस वाले फाउंडेशन का रिव्यू जो कि मिस रोज का है। सो ये बॉर्डर फाउंडेशन है, शेड की बात की जिसमें शेड आते हैं बेज 1, बेज 2, बेज 3, बेज 4, उसके अलावा नेचुरल एंड आइवरी, ये इसके अंदर शेड्स आते हैं। मेरे पास इस टाइम बेज 1 अवेलेबल है। प्राइस की अगर इसकी बात कीजिए, डिफरेंट वेबसाइट्स पर, डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इसकी प्राइसेस डिफरेंट है, मतलब कहीं पे 400 के, कहीं पे 450 के, कहीं पे 500 के। मगर अगर हम मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज की बात करें तो मिनिमम 400 से लेकर मैक्सिमम 500 तक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। इससे ज़्यादा प्राइसेस की है नहीं। अगर तो आपको कहीं पर मिल रही है तो आप वो ना लें, आप दराज पर जाइए, इनके फ्लैगशिप स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप बाई कर लीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल सा फाउंडेशन है। अगर मज़ीद आगे चलें तो ये कौन से स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए है या ऑयली स्किन के लिए? तो ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन है, उन्हीं के लिए मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन पे भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप विंटर्स में यूज़ कीजिए, विंटर्स में ऑयली स्किन के ऊपर परफेक्ट बैठता है। बाकी फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए इनका ट्यूब फाउंडेशन ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगेन आई रिपीट, अगर विंटर्स है तो आप बिना झिझक इस फाउंडेशन को ऑयली स्किन पर यूज़ करें, विंटर में बहुत परफेक्ट है। आगे अगर हम इसकी शेड्स की बात करें तो इसका नेचर 1 और जो बेज है वो फेयर टू मीडियम स्किन के लिए, स्किन टोन के लिए है। सो अगर आपका कलर थोड़ा ज़्यादा फेयर है तो आप नेचर शेड ले लें, और अगर फेयर से थोड़ा सा कम है तो आप बेज 1 ले लें। अच्छा, और सेकंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये इसको अप्लाई करने के बाद ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो चलिए हम आपको उसको अप्लाई करके दिखाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे इसका शेड है, कितने अच्छे से मेरी स्किन के साथ बैठ रहा है, मैच कर रहा है या नहीं, ऑल दैट। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका एक बम्प लेती हूँ, ये देखिए, ठीक है। सो इस ब्लेंड में बस ये ब्रश है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, ब्रश मैंने मैक से लिया था। सो इससे मैं फाउंडेशन को पहले अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद मैं ओपन ब्यूटी ब्लेंडर से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से बिठा लेती हूँ, तो बहुत ही फ्लॉलेस लुक आता है। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ ब्लेंडिंग। सो आप ये देख सकते हैं इस ब्रश से कितना इजी है किसी भी फाउंडेशन को ब्लेंड करना, नॉट ओनली मिस रोज वाली, ये सारी फाउंडेशन हो, बीबी क्रीम हो, इससे बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। सॉरी दिस, हाँ जी। सो ये देखिए, ऐसे ही आपने डैब 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 करके जैसा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती है वैसे ही इस ब्रश से करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अंडर ब्रश से यूज़ करें तो आप ऐसे ऐसे करके खींचें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा फाउंडेशन को ऐसे डैब 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 करके ही इंप्लीमेंट करना है। सो मैंने एक बम्प ले लिया था उसका, और वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली जब हम फेस पे यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम डेड बम्प इनफ होता है इस फाउंडेशन का फुल कवरेज के लिए, तो इसलिए मुझे पूरा हाथ कवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने हल्का सा वो ज़्यादा ले लिया था, मुझे ज़्यादा डॉट लेना चाहिए था। सो वो मेरी स्किन पर ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है गैस। सो ये देखिए आप मैच करें आगे का कलर एंड पीछे का कलर कितने जैसे बैठ गया, आप नोटिस करें ये एरिया शाइन भी करा है। अभी मैंने हाथ के ऊपर ऑब्वियसली कोई भी स्किन पर नहीं किया, हाथ पे मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है, बट स्टिल आप देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है, कितना फ्लॉलेस लुक लग रहा है। इसके अलावा प्राइस के मैंने आपको बात बताती है, बहुत ही अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली सी ये फाउंडेशन है। और उसके अलावा अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि अगर आपने ऊपर से मैंने जो भी स्टेप्स बताने से कोई स्टेप नहीं किया तो ये कितनी देर तक स्किन पर रहता है, अगर कोई मिस हो गया तो वैसे तो आपने कोशिश करनी है वगैरह कि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, वरना आपकी स्किन केक ही हो जाएगी और उसके बाद पैचेस आ जाएंगे या तो ग्रेश हो जाएगी। सो तो आपने कोशिश करनी है हमेशा कि आप ये सारे स्टेप्स करके इसको स्पेशली इवेंट्स पे सारे स्टेप करके यूज़ करें तो आपका फाउंडेशन कभी भी केकी नहीं होगा, ग्रेश नहीं होगा। टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो ये 5 आवर्स तक मिनिमम बिल्कुल सही रहता है, उसके बाद ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने टोन से एक टोन लाइटर लें तो ये भी इशू आपको नहीं आएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, ये था आज का रिव्यू, इस वाली फाउंडेशन का हमने रिव्यू किया है मिस रोज का बेज 1 शेड है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो मिलते हैं कल एक और अमेजिंग से ब्लॉग के साथ, आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए या क्या चाहिए जो भी। सो मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगी, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, बाय, लव, फेज़।